फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं चैनल अजंजली ब्लॉग। तो जैसा कि मकर संक्रांति का ब्लॉग आप लोग देख चुके हैं, ये मकर संक्रांति के दूसरे दिन का ब्लॉग है, मतलब 15 तारीख है और हमको परसों यहाँ से निकलना है। तो हम यहाँ से निकलने का भी ब्लॉग शेयर कर रहे हैं, जब मेरा यहाँ पे लास्ट दिन है। तो आज 15 तारीख है, 16-17 को हम यहाँ से चले जाएंगे प्रयागराज। और आज कुछ स्पेशल बन रहा है, मतलब बट्टी चोखा और दाल बन रहा है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अंगीठी का वहाँ मैं प्यारा जी बनाती थी, लेकिन तंदूर पे बनाती थी। यहाँ मम्मी को बोला है, नहीं मम्मी बना लीजिए अपने हाथ का, खिला दीजिए हमें जाने से पहले। तो वो बना रही हैं और मटके भी बना रही हैं। मतलब मैं पहली बार खा रही हूँ, मतलब मैं मटके का भी कुछ नहीं खाई हूँ। मम्मी बना रही हैं, मम्मी से मैंने बोला बनाइए, थोड़ा देखते कैसा लगता है। बस मटके में हर चीज बनेगा और ये ब्लॉग बहुत अच्छा रहने वाला है। आप लोग साथ बनाए रखिएगा, अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, न्यू सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग बने रहिए, मैं आपको दिखाती हूँ मटके कैसे बनाते हैं। और तो पता भी होगा, जितनी जो लोग नहीं जानते हैं उनको दिखा। तो यहाँ पे देखिए, मम्मी ने आग जला दिया है। ये आग बहुत ही धीमी आंच में इसे मटके में खाना बनाया जाता है। अगर आंच बहुत ज़्यादा तेज़ होगा तो मटका फूट भी सकता है। तो यहाँ पे मम्मी ने पानी रख दिया था उबलने के लिए, उसके बाद यहाँ पे दाल डाल रही हैं पानी जब उबल रहा है तो। और अब धीरे धीरे ये कम आँच में पकाया जाएगा। इसको हल्का सा ढक दी है मम्मी। इस बगल में भी एक लोहे के तगाड़ी में यहाँ पर आग जला रही हैं। यहाँ पर ये बैंगन, आलू और टमाटर को भुनेंगी चोखा के लिए। तो यहाँ पर देखिए, मम्मी बैंगन को भून रही हैं। जब बैंगन भून जाएगा उसके बाद आलू और टमाटर भुना जाएगा। तो एक साथ दो काम हो रहा है, इधर दाल बन रही है और इधर हमारा चोखा की तैयारी हो रही है। यहाँ पे देखिए, आलू मम्मी डाल दिए हैं, बैंगन हमारा हो चुका है। और इस आग का जो चोखा होता है बहुत सोंधा सोंधा सा खाने में लगता है। यहाँ पे देखिए, मम्मी बीच में देख रही हैं कि सही है कि नहीं, लेकिन अभी दाल पकने में टाइम है। तो यहाँ नमक ऐड कर रही हैं, नमक आप स्वादानुसार डाल सकते हैं दाल में। और ये हल्दी डाल रही हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, उबाल आ गया है तो इसको कम आंच में ही पकाना है। इसे ढक के रख देंगी जब तक ये पकेगा नहीं। और यहाँ पे देखिए, दाल पक तो गई है बट अभी पतली है, तो इसे अभी कुछ देर तक ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा ताकि ये धीरे धीरे गाढ़ी हो जाए। तो मम्मी यहाँ पे छोड़ दी हैं इसको ढक के। और यहाँ पे देखिए, आलू भी हमारा हो गया है, बैंगन भी हो गया है। यहाँ पर मैंने बैंगन को साफ़ करके रख दिया है, आलू को भी क्लीन करेंगे और उसके बाद इसको इसी में मैश कर देंगे। यहाँ धनिया कट करके मैंने डाल दिया हुआ है। यहाँ पर मम्मी बट्टी सेक रही हैं, उसके बीच हम चोखा बना रहे हैं, मम्मी बट्टी बना रही हैं। तो यहाँ बट्टी बन गया, दाल हमारा यहाँ पे बनी गया है। और यहाँ पे आलू मैंने साफ़ करके डाल दिया हुआ है। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और मिर्च डाल के इसे तेल, सरसों के तेल से हम बनाते हैं। और उसके बाद दाल में तड़का लगाना है तो सबसे पहले जीरा डालते हैं तेल में। सरसों का तेल है ये, क्योंकि तेल में अगर आप छौंका मारते हैं तो दाल हमारा सोंधा सोंधा सा लगता है। उसके बाद आप उसके ऊपर से घी डाल सकते हैं। और यहाँ पर हींग डाल रही हैं मम्मी, और रेड वाली जो साबुत मिर्च होती है वो डाल रही हैं। और यहाँ पे सब मस्ती कर रहे हैं, मामा और भांजा यहाँ कागज़ का बना के सिगरेट पी रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, दाल का तड़का हमारा तैयार हो गया है। अब इसको हमें दाल में डाल देना है। तो इसका जो मुंह है वो बहुत छोटा है तो डालने में दिक्कत हो रहा था, इसलिए मम्मी ऐसे ही ऊपर से ही डाल दी हैं। और उसके बाद इसको ढक के कुछ देर के लिए रख दिया जाएगा ताकि इसका जो महक है वो बाहर ना जाने पाए। तो इस तरीके से देखिए, दाल बहुत ही टेस्टी बना था गाइस। और यहाँ पे बट्टी भी हमारी हो गई, इसे अब देसी घी में हमें ऐड करना है। देसी घी में अच्छे से, यहाँ पे मम्मी कपड़े में अच्छे से झाड़ रही ताकि उसकी जो भी मिट्टी वगैरह लगी वो झड़ जाए, राख जो होता है। और यहाँ पे दाल देखिए, दाल हमारी बनके रेडी है। तो इसे मम्मी एक बर्तन में पलट दी हैं। कितना ज़्यादा देखने में भी अच्छा लग रहा है, उतना ज़्यादा टेस्टी खाने में भी लग रहा था। ये देखिए, हमारी थाली तैयार हो गई है, चोखा, बट्टी और दाल, शुद्ध खाना। और यहाँ पर हम गुड़ में थोड़ा सा देसी घी मैश करके रखते हैं, इसे हम लोग चूरमा बनाएंगे। फ्रेंड, मॉर्निंग हो चुकी है, तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। और किट्टू के पापा आ चुके हैं और हम लोग आज निकलेंगे प्रयागराज, क्योंकि हम लोग गए थे किट्टू की छुट्टी मनाने। किट्टू की छुट्टी थी एक वीक की, फिर उसके बाद वो बढ़ गई, खिचड़ी तक हो गई। लेकिन अब हमको जाना है, किट्टू का स्कूल खुल गया है और हम जल्दी फिर वापस आएँगे। कुछ खुशखबरी है, हमारे घर में कुछ होने वाला है बहुत अच्छा, तो मैं आपको बताऊँगी ज़रूर। और अब मैं आज निकलूँगी, आज सुबह है, चाय वाय हम लोगों ने पी लिया है। अब हम लोग नहाएंगे और रेडी होंगे और मिलते हैं कुछ देर में। हम छत पे आए, इस समय धूप बहुत अच्छी हुई है तो धूप ले लेते हैं 2 मिनट, उसके बाद चलते हैं नीचे। हम लोग अब जा रहे हैं नए घर पे। जब से आए हैं तब से नए घर पे एक बार भी नहीं जा पाए। आज मौसम बहुत अच्छा है तो हम लोग सोचे कि जाके दिखाते हैं, हाँ मम्मी और पापा और किट्टू, इतने लोग जा रहे हैं और बस आ जाते हैं मिलके जल्दी से। और आप लोग को दिखाते भी हैं, घर हमारा कंप्लीट हो चुका है। बहुत दिन से हम लोग आपको दिखा रहे थे ब्लॉग में, थोड़ा कंप्लीट होता था, थोड़ा कंप्लीट होता था, लेकिन अब पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, बस पेंटिंग वगैरह रह गया है। और आपको दिखाते हैं पूरा बनने के बाद वो कैसा दिखता है। तो यहाँ आ गए हैं हम अपने घर। ये घर का पीछे वाला पोर्शन आप लोग कई बार देख चुके होंगे वीडियो में। तो हम लोग पीछे वाले गेट से जा रहे हैं, मम्मी के मेरे पैरों में दर्द रहता है इसलिए वो ऐसे चल रही हैं। तो ये पीछे का पोर्शन है, वहाँ पापा हैं और ये मेन गेट क्या है, ये पीछे का ही गेट है, मेन गेट तो आगे है। और उसके बाद ये देखिए, ये पीछे से मैं आपको दिखा रही हूँ, पीछे से कुछ इस टाइप यहाँ पे है वॉशरूम। और यहाँ पे ये पीछे वाला गेट है और यहाँ पे एक रूम और बना हुआ है। ये मैं चल रही हूँ आगे, आगे आप लोग को सब दिखाती हूँ। एक यहाँ वॉशरूम है और यहाँ पे
एक रूम ये है, यहाँ पे आपको डोर उस टाइम नहीं दिखा था, यहाँ पे डोर लग चुका है बट इसे पेंटिंग थोड़ा सा भी बाकी है इसमें। और यहाँ पे इतने ये सब रूम आप सब देख चुके होंगे, बस यहाँ पे टाइल्स वगैरह उस टाइम नहीं लगा हुआ था और अब लग गया है, सब कम्प्लीट हो चुका है। तो ये सब मैंने कई वीडियो में आप लोग को शेयर कर दिया था बट उस टाइम टाइल्स वगैरह नहीं लगा हुआ था, अब जाके सब कम्प्लीट हो चुका है तो मैंने सोचा शेयर कर दूँ, जो न्यू है वो देख लें और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो तो देखे ही होंगे। और यहाँ पे ये स्टोर रूम है, मम्मी यहाँ पे सफाई कर रही हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से यहाँ पे सफाई हो नहीं पाई थी, तो मम्मी आज आई हैं तो सफाई करने लगी हैं। ये किचन है हमारा, और वहीं से हम डायरेक्ट चल दिए हैं मार्केट की तरफ क्योंकि हमें मार्केट में कुछ काम था। जिस काम के लिए हम जा रहे हैं वो काम मैं बताऊंगी आपको, और कुछ खुशखबरी है जैसा कि मैंने ब्लॉग की शुरुआत में बताया था, बस उसी की शॉपिंग करनी थी एक दो, तो हम वहाँ पे आए हैं। यहाँ पे हमको साड़ियाँ लेनी थी तो एक साड़ी मैं यहाँ से लेती हूँ। तो ये साड़ी का शॉप लाइन बाज़ार में है जो जौनपुर के हैं वो जानते ही होंगे, तो अवतार साड़ी से है ये नाम है इनके शॉप का, तो यहाँ से आप साड़ी ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी साड़ियाँ ये कलेक्शन रखते हैं भैया। तो यहाँ से मैंने एक रेड कलर की साड़ी ली हुई थी, यहाँ पर आपको हर तरीके की साड़ियाँ मिल जाएंगी, जो भी लुक का आप चाहिए आपको मिल जाएगा यहाँ पर। और भैया ने चाय मंगा दिया था, तो कुल्हड़ का चाय तो मैं देख के वैसे भी फिसल जाती हूँ क्योंकि मुझे चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं टी लवर हूँ जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता ही होगा मुझे चाय बहुत पसंद है। तो कुल्हड़ की चाय मुझे मिल गई तो मैं वहाँ पर पीने लगी। तो उसके बाद हमें एक सामान और लेना था, ज्वेलरी लेनी थी, तो उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये है यहाँ का छोटा मार्केट, तो ये सब मार्केट जब मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे अपने बचपना याद आ जाता है, जब इसी रोड से हम लोग पढ़ने जाते थे आते थे। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप पतंगे दिख रही होंगी, खिचड़ी था उस टाइम तो पतंगे, आपको चूड़ा लाई गट्टा सब देखने को मिलेगा। ये है तो ये छोटा मार्केट है, उसके बाद हम लोग कभी बड़े मार्केट में जाएंगे तो आपको शेयर करेंगे, अभी हमारे छोटे मार्केट से ही काम हो जा रहा है। तो बस यहाँ पे हनुमान जी के मंदिर है, आप लोग दर्शन कर लीजिए। हम लोग आते हैं ज्वेलर्स के यहाँ, सिद्धि विनायक के यहाँ ज्वेलर्स हैं, तो जब हम कुछ कोई चीज़ छोटा मोटा चीज़ लेना होता है तो हम लोग यहीं से ले लेते हैं, और अगर बड़ी कोई ज्वेलरी की शॉपिंग करनी होती है तो हम लोग आगे जाते हैं। तो यहाँ से हमें छोटा सा ही सामान एक पायल लेना था तो बस उसी लिए हमें यहाँ पर आना पड़ा, नहीं तो हम लोग आगे मेन मार्केट जाते। तो यहाँ हम लोग शॉप के अंदर आ गए हैं और बहुत ही अच्छा मुझे शॉप लगा, मैं यहाँ पे आती जाती रहती हूँ छोटे मोटे सामान लेने के लिए। तो यहाँ पे मैं पायल, ये वाला पायल दिख गया तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ, इसमें कपल बने हुए हैं, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो यहाँ से मैं एक पायल उठाती हूँ मतलब लेती हूँ और हम लोग घर चलते हैं। अब तो घर आने के बाद मैं यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, यहाँ पे मेरी पनीर सब्ज़ी बनके रेडी हो गई। पनीर सब्ज़ी का रेसिपी मैंने कई बार शेयर किया हुआ इसलिए मैंने शेयर नहीं किया, तो किट्टू के पापा आ गए हैं तो उनके लिए बनाया है मैंने। तो यहाँ पूड़ियाँ हैं, सब्जी है। कौन है किट्टू? ये आपके आपका फ्रेंड? हाँ, किस क्लास में पढ़ते बेटा? आप? मैं केजी में। तो आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? आज हम लोग जा रहे हैं इलाहाबाद। तो अपने फ्रेंड को ले चलो। नहीं, मुझे मम्मी गुस्सा कर रही है। हो गई हूँ रेडी और हम लोग निकलने वाले हैं, हम लोग की गाड़ी आ गई है और ट्रेन का भी टाइम हो चुका है, और किट्टू थोड़ा सा अपसेट है यहाँ से जाने के लिए क्योंकि यहाँ वो बहुत अच्छे से खेलती थी, उसके फ्रेंड भी बन गए थे, तो वो थोड़ा सा अपसेट है, मुझे भी थोड़ा सा बुरा लगता है। कोई नहीं, आना जाना लगा रहेगा, लाइफ है। तो हम लोग चलते हैं और हम मिलते हैं स्टेशन पे डायरेक्ट। तो हम लोग स्टेशन पे आ गए हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो ये जौनपुर का तीसरा और छोटा स्टेशन है, यहाँ जौनपुर में तीन स्टेशन है रेलवे स्टेशन। तो हम लोग को सीट मिल गई है, हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं, अब हम लोग चल दिए हैं प्रयागराज, वहाँ पे जाके आपसे मिलेंगे। तो ट्रेन में किट्टू खूब इंजॉय करती हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है, इनको ट्रेन की यात्रा अच्छी लगती है और बस बस की तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है, तो मस्ती कर देंगे यहाँ पर ये। और यहीं पे इनकी एक फ्रेंड मिल गई तो इनका सफ़र बहुत ही आराम से कट गया, ये बहुत ही क्यूट बच्ची है। ये है बच्चा, मेरा मतलब मेरा भी ऐसा खरीदा गया है, अब भी खरीद तो मैं तो गन में तुम्हारी खाते। ओ बड़ा था वो, पूरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा बड़ा डायनासोर है। Thank you.
हम लोग आ गए हैं प्रयागराज, और यहाँ पे आते ही हम लोगों ने देखा स्टेशन पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, सब कुंभ मेला की भीड़ थी। कुंभ मेला में बहुत लोग दूर दूर से आते हैं, तो आप लोग देख ही सकते हैं, ये भीड़ देख के अंदाज़ा आपको लग ही गया होगा कितने दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर। तो हम लोग अब चलते हैं घर की तरफ, और फिर घर पर जाके आपसे मिलते हैं। हम लोग आ गए हैं रूम पे। तो ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, ये जौनपुर से लेके प्रयागराज तक का पूरा वीडियो मैंने आपको शेयर किया हुआ है, और ये वीडियो आपको कैसा लगा, थोड़ा सा पसंद आ गया हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक अंजलि सिंह को दीजिए विदा, बाय बाय एंड टेक केयर।